हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी एंड वेलकम बैक टू ईजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी स्क्रैम्बल्ड एग्स की। तो इसे मैंने पेयर अप किया है ब्रेड टोस्ट के साथ। आप इसे कभी भी ब्रेकफास्ट पे बना सकते हैं। अगर कभी आपको डिनर्स पे कुछ बहुत ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसे डिनर्स पे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे। ये मैं एक जन के लिए बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हो तो ज़्यादा अंडे लें। तो बस अब मैं इन अंडों को एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, अंडे निकालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दूध लिया है। आप दूध की जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि फ्रेश क्रीम अगर आप डालेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो बस 3 अंडे लिए थे तो 3 चम्मच ही मैं दूध ले रही हूँ। अब मैं डालूँगी नमक, तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। बस अब नमक डाल के इसको एक बार अच्छी तरीके से हम फेंट देंगे। तो बस इसको फेंटने के बाद अब हम चलेंगे इसको बनाने की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसके ऊपर एक इस तरीके का पैन रखेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर, तो 1 चम्मच बटर डालें और बटर पिघलते ही इसमें हम अंडे डाल देंगे। इसे पकाने में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये पूरा पकाते टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम होना चाहिए। अब जब ये किनारे थोड़े से पकने शुरू हो जाएंगे तो मैं बताती हूँ आपको इसे क्या करना है। आपको इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि अगर किनारों से भी ये ज़्यादा पक जाएगा तो ये अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। इसमें क्या हो सकता है अगर ये ज़्यादा पक जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ज़्यादा पक जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से एकदम सिमटने लगेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है बनाने का। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ये दिखाया है कि आपको पता रहेगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। ये जब इस तरीके का हो थोड़ा सा कुक, तो बस हमें इसको क्या करना है, इस तरीके का अंदर की तरफ पुश करना है। इससे क्या होगा कि जो अभी अनकुक्ड एग है वो बाहर आ जाएगा और वो बाहर आके पकने लगेगा। तो बस अब इसको भी हम धीरे से जो पका हुआ है एक्स्ट्रा उसको भी अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसी तरीके से हम सारा जो एग है वो पकाएंगे। ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए आपको 2 से 3 बातें याद रखने की ज़रूरत है कि आपको गैस बिल्कुल सिम पे करके पकाना है और कितना कब पकाना है, बस ये चीज़ें हैं। 1 से 1.5 मिनट हम इसको और पकाएंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको प्लेट में निकाल लें। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो काली मिर्च डाल के अब चलते हैं टोस्ट की तरफ। तो ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर एक तवा रखेंगे। ब्रेड के एक साइड में मैं बटर लगा रही हूँ। तो बस अब हम इसे ऐसे ही पकने देंगे और जो दूसरी ऊपर साइड है उसमें भी हम फटाफट से बटर लगा लेते हैं। तो बटर लगाने के बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। इसको टर्न करते हैं और दूसरी ब्रेड में भी बटर लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसे टर्न करेंगे और इसको इसी तरीके से थोड़ा हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो इसे बीच बीच में टर्न करते रहें आप। इसको भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे मैं सर्व करूंगी एग्स के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।